सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सीबीसी टेस्ट, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर इसे सबसे पहले तो इसी टेस्ट को करवाते हैं जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है या फिर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हो, चोट लगी हो या फिर ऑपरेशन कराना हो। और आपने भी कभी ना कभी तो सीबीसी का नाम सुना ही होगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सीबीसी की रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे उनकी वैल्यू को समझ सकते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, सीबीसी की जो रिपोर्ट है उसको देखना और उसको समझना बहुत ही सिंपल है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप किसी भी सीबीसी की रिपोर्ट को कैसे बिल्कुल आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइज, ओरली अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही एक सीबीसी की रिपोर्ट दिखा देता हूं और आपको मैं समझाता हूं। तो गाइज, यहां पर आप देख रहे हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट एक हमारे सामने है। देखिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे सीबीसी बोला जाता है, और नाम से ही पता लग रहा है कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब कि ये पूरी की पूरी जितनी ब्लड में सेल्स होती हैं उनकी काउंट्स का बताया हुआ है। तो सामान्यतः जो सीबीसी के अंदर देखा जाता है ना, वो है टीएलसी, डीएलसी, एचबी और प्लेटलेट्स, मतलब कि एचबी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और टीएलसी टोटल लिकोसाइट काउंट, जिसे डब्ल्यूबीसी काउंट्स भी बोला जाता है, ये होता है। फिर डीएलसी, डीएलसी जो वाइट ब्लड सेल हैं उनका ही रूप होता है। डीएलसी के अंदर 5 सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और बेसोफिल्स। फिर प्लेटलेट्स मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स भी देखने जरूरी होते हैं। साथ ही गाइज, यहाँ पर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको भी कई बारी देखा होता है, उनको भी कई बारी देखना होता है, लेकिन सामान्यतः कोई भी डॉक्टर होगा ना, वो हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी काउंट्स और प्लेटलेट्स को देखता है। टीएलसी, डीएलसी को भी देखा जाता है, और मैं आपको बताऊंगा कि अब इनके कम या ज़्यादा होने पर क्या होता है। तो आप कभी भी कोई भी रिपोर्ट देखेंगे ना, तो यहाँ पर पहले तो दिखाया होगा कि यहाँ पर टेस्ट कौन सा है, फिर रिज़ल्ट, फिर यहाँ पर उसकी यूनिट, और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है नॉर्मल वैल्यू वो दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जो एच बी होता है ना, सामान्यतः बोलते हैं कि हमारे शरीर में इतने ग्राम खून है, तो ये हीमोग्लोबिन वही होता है। और हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल होता है हमारी बॉडी का, और ये बनता किससे है, हीमोग्लोबिन मतलब कि हीम मतलब कि लोहा, आयरन, और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन और आयरन का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो जिसका एच बी कम होगा उसे कमजोरी, सुस्ती महसूस होती है, थोड़ा सा चलने पर उसका सांस फूल जाता है, और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी उसको महसूस होती हैं। सामान्यतः जो एच बी मतलब कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है नॉर्मल रेंज, देखिए 12.5 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर दी हुई है ना, तो ये फीमेल्स और मेल्स में अलग होती है। जैसे फीमेल के अंदर ये 12 से 15 ग्राम के बीच में होता है, या 14 ग्राम भी कई बारी लोग बताते हैं। तो जो फीमेल्स के अंदर है हीमोग्लोबिन, ये 12 से 14 के बीच में होता है, मतलब कि 12 ग्राम पर डेसीलीटर से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है फीमेल्स में, और मेल्स में ये 13 ग्राम से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल्स में कम होने का कारण गाइस यही है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें उनको ब्लीडिंग होती है, उसके कारण जो उनका हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम रहता है। तो दूसरा जो पार्ट है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, हिंदी में अगर मैं आपको कहूँ, या फिर
TLC इसे बोलते हैं, टोटल लिकोसाइट काउंट। जो पहले लोग कराते थे, डॉक्टर कराते थे ना, तो TLC, DLC, HB ही कराते थे, लेकिन आज के टाइम में तो हर कोई डॉक्टर CBC को ही कराता है। तो यहाँ पर TLC, जिसे आप वाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, तो ये कितना है, 3600, ठीक है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज कितनी दी हुई है, वो है 4000 से 11000 के बीच में माइक्रोलीटर। तो यहाँ पर जो इसकी रेंज है ये कम है, 3600 देखिए, ठीक है। अब ये ज़्यादा होने पर क्या बताती है, तो गाइस जो WBC काउंट्स है, मतलब कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं या वाइट ब्लड सेल है ना, इसको आप हमारे शरीर का एक सैनिक समझ सकते हैं, सोल्जर। जब भी हमारे शरीर में कोई भी बाहर का मटेरियल आता है, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म आएगा ना, तो ये लड़ती हैं उनसे। तो लड़ने के लिए क्या करेंगी, ये एक्टिव हो जाती हैं और इनकी जो काउंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो यूजली क्या होएगा, जब भी शरीर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा ना, तो ये वाइट ब्लड काउंट्स बढ़ जाएंगे। सेम ऐसे ही अब इनकी वैल्यू यहाँ पर 3600 है, मतलब कि ये कम है। तो क्या हुआ कि जो ये वाइट ब्लड सेल्स, एक बार कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में आया, वाइट ब्लड सेल एक्टिव हुए और जो ऑर्गेनिज्म है अगर वाइट ब्लड सेल को मार देता है, काम तो इनका है मारना, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वाइट ब्लड सेल को ही खा जाता है, उनको मार देता है, तो ये कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ये कम हुई हुई हैं। तो बहुत सारी कंडीशन होती है, डेंगू में भी कम हो जाती हैं, डेंगू में प्लेटलेट्स तो कम होते ही हैं, साथ ही वाइट ब्लड सेल भी कई बार कम हो जाते हैं जब डेंगू का वायरस ज़्यादा हो जाता है, या वायरल इन्फेक्शन में भी ये कम हो जाती हैं। तो ये कम होने का और ज़्यादा होने का मैंने आपको बता दिया। और जो नॉर्मल रेंज है ना, वो 4000 से 11000 के बीच में होती है, लेकिन किसी भी रिपोर्ट को देखने से पहले आप उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ना साइड वाली, उसको ज़रूर चेक कर लें। तो जो दूसरा है वाइट ब्लड सेल के बाद, जो डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट होती है, मतलब कि DLC होती है, उसको भी चेक किया जाता है। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स आपने चेक करने हैं, साथ ही ईओसिनोफिल्स आपने चेक करने हैं। और तो अपने न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और ईओसिनोफिल्स को अपने चेक करना है। ये तीन मेन होते हैं, मोनोसाइट और बेसोफिल्स इतने ज़रूरी नहीं होते। तो न्यूट्रोफिल्स देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू 60 है, तो जो इसकी नॉर्मल रेंज है ये 50 से 70 के बीच में दी हुई है, लेकिन सामान्यतः 40 से 60 के बीच में होती है। लेकिन आप वैल्यू जो रिपोर्ट के हिसाब से है उसके हिसाब से देखें, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो मशीन होती हैं उनकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने अगर किसी हॉस्पिटल से कराई है और उसकी आपको वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, और आप दूसरी जगह से कराते हैं और उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, तो आप थोड़ा पजल हो जाएं। ऐसा नहीं है, आप CBC की रिपोर्ट को देखें, जो नॉर्मल वैल्यू दे रखी है उससे आप कंपैरिजन करें, तो आपको वैल्यू का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो 60% दिए हुए हैं, जो कि ठीक है। आगे मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ते हैं, ये सामान्यतः तब बढ़ते हैं जब पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही रिसेंटली हुआ हो, मतलब कि 3-4 दिन पहले आपको हुआ होगा किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन, या इन्फ्लामेशन हुई होगी, चोट लगी होगी, या फिर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हुआ होगा, तब ये न्यूट्रोफिल्स एक्टिव होते हैं। और इनको एक्टिव होने में 3 से 4 दिन लगते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको 3 से 4 दिन पुराना इन्फेक्शन हुआ होगा। आगे बात करें लिम्फोसाइट की, तो जो इनकी नॉर्मल रेंज है वो यहाँ पर 20% से 40% दी हुई है, और यहाँ पर 36.2 है। लिम्फोसाइट गाइस इसलिए देखा जाता है, ये बताता है कि अगर ये बढ़ी हुई होती है ना, तो ये तब बढ़ती हैं जब इन्फेक्शन 7 दिन या 8 या 9 दिन पुराना होता है, तब ये बढ़ती हैं। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका जो इन्फेक्शन है वो 7 दिन पुराना होगा। न्यूट्रोफिल्स जल्दी एक्टिव होते हैं, लिम्फोसाइट लेट एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं कि इतने टाइम पहले आपको इन्फेक्शन हुआ है। ईओसिनोफिल्स खास तौर पर तब एक्टिव होते हैं जब आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी होती है, जैसे राइनाइटिस की हुई हो, या फिर आपको किसी पैरासाइट से हुई हो। खास तौर पर अभी फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, तो भी डॉक्टर आपको करा देते हैं CBC की जांच, ठीक है, तो पता लग जाता है कि एलर्जी आपको किससे हुई है, इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ईओसिनोफिल्स ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं,
खास तौर पर अस्थमा के टाइम भी इसिनोफिल्स के काउंट्स को देखा जाता है। तो यहाँ पर जो इनकी वैल्यू है, यहाँ पर 0 से 7% दी हुई है और यहाँ पर 1 है इसकी, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और जो मोनोसाइट है और बेसोफिल्स है, इसका कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं होता। जो रेड ब्लड काउंट होती हैं गाइस, इनकी नॉर्मल वैल्यू देखिए यहाँ पर 4,20,000 से 5,40,000 मिलियन पर माइक्रोलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू है, और यहाँ पर 4,51,000 मिलियन माइक्रोलीटर इस वैल्यू दी हुई है। तो गाइस जो रेड ब्लड सेल है ना, ये क्या होती हैं, ये हमारे जो ब्लड है जिसका रंग लाल लाल है ना, नाम से ही पता लग रहा है, रेड ब्लड सेल। जो आपको खून का जो रंग है वो लाल लाल दिख रहा है, वो रेड ब्लड सेल के कारण ही दिखता है, और रेड ब्लड सेल का ही कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अगर रेड ब्लड सेल कम होंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम होता है, ठीक है। इसी का ही एक पार्ट होता है हीमोटोक्रिट, ठीक है, जिसे PCV बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो रेड ब्लड सेल है ना, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो बताता है। मान लीजिए ये तब देखा जाता है जब पेशेंट को, मान लीजिए किसी भी तरह की कोई डिहाइड्रेशन हुई है, जब पेशेंट पानी नहीं पीता ज़्यादा, या फिर पेशेंट को लूज़ मोशन या वोमिटिंग या जो पॉइजनिंग के केस होते हैं ना, नोज़िया वोमिटिंग बहुत होता है, और एक्सेसिव जो फ्लूड होता है वो निकल जाता है डायरिया से या फिर जो वोमिटिंग से, तब जो वैल्यू है ना, अब जो फ्लूड था एक्सेसिव वो तो निकल गया, तो जो CBC की रिपोर्ट है वो गलत वैल्यू देती है, मतलब कि गलत बताता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और जो हीमोटोक्रिट है वो भी बढ़ जाता है। तो वो बताता है कि ये जो रीडिंग है वो फाल्स है, ठीक है, गलत रीडिंग देता है। ऐसे ही अगर बाय चांस किसी के वैन के अंदर फ्लूड ज़्यादा है, जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम सैंपल लेते हैं ना, जब कोई लेबोरेटरी वाला सैंपल ले लेता है, अगर किसी को ड्रिप लग रही हो, वैन होती है वैन के अंदर, इस वैन के अंदर ड्रिप लग रही है और लेबोरेटरी वाले ने आगे से सैंपल ले लिया, जो ड्रिप से ग्लूकोज जा रहा है वो हीमोग्लोबिन जो ब्लड है उसको थिन कर देता है, उसको पतला कर देता है, तो हीमोग्लोबिन कम आता है, साथ ही जो हीमोटोक्रिट है PCV है वो भी कम आएगा। तो ये फाल्स रीडिंग है, ऐसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये फाल्स रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपका हीमोटोक्रिट है वो नॉर्मल आ रहा है और HB जो है वो कम है, तो इसका मतलब है कि आपका जो HB है ना वो एक्चुअल में कम है। आपको पेशेंट की सिचुएशन भी देखनी है, आप आँख बंद करके रिपोर्ट पर भी भरोसा ना करें, आप पहले जो पेशेंट है उसके साइन और सिम्टम्स को भी देखें। और अक्सर ऐसा ही होता है कि कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट कई बार गलत भी आ जाती है, तो आप पहले पेशेंट की साइन और सिम्टम्स को देखें, अंधाधुंध किसी भी रिपोर्ट पर विश्वास ना करें। आगे जो प्लेटलेट्स काउंट हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और सामान्यतः आपने भी सुना होगा कि डेंगू के समय या फिर जो चिकनगुनिया होता है या फिर नीपा जीका और ये जो कोरोना वायरस आया है, या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, या फिर जो CA होते हैं, CA के पेशेंट होते हैं ना, उनमें भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, जो ब्लड कैंसर होता है ना उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। तो गाइज़ जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने का काम करते हैं, मतलब कि अगर ये कम होंगे ना तो हमारे शरीर में ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी। अगर बाय चांस कहीं से ब्लीड होने लग गया, ठीक है, कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो वो जमेगी नहीं, क्लोट नहीं होगी, और ब्लीडिंग को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू कम होती है ना, जैसे अभी है लेकिन इतनी नहीं है, अगर ज़्यादा कम हो जाती है तो प्लेटलेट्स चढ़वाने पड़ते हैं, मतलब कि जो RDP SDP के जो यूनिट आते हैं ना, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स या फिर रैंडम डोनर प्लेटलेट्स जो आती हैं वो चढ़वाने पड़ते हैं, जिसे सफ़ेद खून भी लोग कहते हैं, तो प्लेटलेट्स भी चढ़वाने पड़ती हैं, मेगा यूनिट चढ़वानी पड़ती है अगर प्लेटलेट्स सामान्य से कम आती हैं। और ये कंडीशन कब होती है, जब किसी को डेंगू होता है, या फिर अगर किसी का क्लोटिंग फैक्टर कम होता है, या फिर किसी को चिकनगुनिया है, या फिर नीपा जीका है, तब भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है, अगर बात करें तो इस पेशेंट का एच भी कम है और वाइट ब्लड सेल्स भी कम हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर वाइट ब्लड सेल कम होते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी है, जिसके कारण जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं, जो हमारे बॉडी के सैनिक हैं, उनकी संख्या कम हो चुकी है, तो इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही है। सामान्यतः वायरल इन्फेक्शन में ऐसा होता है, साथ ही प्लेटलेट्स भी थोड़े कम हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूँ तो इस पेशेंट को डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि डेंगू बाय कार्ड भी करवाऊँगा इस पेशेंट का। तो गाइज ऐसे कोई भी आप रिपोर्ट को देख सकती हैं, ओके। तो गाइज आज की हमारी वीडियो थी सीबीसी रिपोर्ट को कैसे देखना है, और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो गाइज प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता लग सके और वो भी सीबीसी को कैसे देखते हैं वो भी सीख सकें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।